कौशल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। ब्रह्म पुराण का यह श्लोक सैकड़ों साल पहले वर्णित है पुराणों में। आज हम उसी स्थान पे हैं जो रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र हुआ करती थी, और वो स्थान है अहिल्या स्थान, जहाँ कहा जाता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो शापित होकर पत्थर बन गई थी, उनको भगवान राम का चरण स्पर्श होता है और वो फिर से अपने नारी स्वरूप में आ जाती हैं। तो आज हम आपको उस अहिल्या स्थान के बारे में बताएंगे, जहाँ पे कहा जाता है कि आज भी उसके गर्भगृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और यहाँ पे महिला ही पुजारण भी हैं। ले चलते हैं आपको अहिल्या के उस उद्धार स्थल की ओर। ये दरभंगा जिले में कमतौल प्रखंड है, वहाँ ये स्थान अवस्थित है और बगल में ही गौतम ऋषि दोनों दंपति के रूप में रहते थे। गौतम ऋषि का यह वही स्थान है जहाँ पे कभी पूरा गौतम ऋषि की तपस्थली के रूप में और उनका पूरा आश्रम भी इसी इलाके में हुआ करता था। कहा जाता है कि जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया, उसके बाद यहाँ पे केवल और केवल पत्थर ही सब कुछ था। पेड़ पौधे जीव जंतु सब पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। अभी इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, और ये गौतम ऋषि को लेकर के इनकी क्या जानकारी है, ये क्या किस रूप में चीज़ों को देखते हैं, पिछले कई दशक से यहाँ पे ये देख रहे हैं। गौतम ऋषि जो थे इसी जगह थे, उनकी आश्रम था। तो जब इंद्र छल किया है तो अहिल्या को इसी क्रोध में श्राप दिए कि तुम अपने और पराए को नहीं पहचान सकी, इसलिए तुम्हारा मति पत्थर का है, तू पत्थर हो जा। पुत्री को श्राप दिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही थी तो पुत्री कैसे बतावे, तो उसको श्राप दिए तो माँ का कुकर्म छुपा रही है, इसलिए तुम्हें कुमारे में पुत्र पैदा होगा। और पुत्र सतानंद था, जिसको श्राप दिए कि तुम जीवन भर दरिद्र रहोगे। इंद्र को श्राप दिए कि तुम एक भग किसी का नष्ट किए हो तो तुम्हारे शरीर में सहस्रों भग हो जाएंगे। और फिर जब सब विनय करने लगा, शांत हुए हैं, तो सबको आशीर्वाद दिए हैं कि त्रेता में जब रामा अवतार होगा, और राम तुम्हें अहिल्या को आशीर्वाद दिए कि जब राम का चरण तुम्हारे शरीर में कहीं स्पर्श होगा तो तुम फिर पति लोक में आएगी। और पुत्र को आशीर्वाद दिए कि राम के हाथ से जब दक्षिणा पा जाओगे तब तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। और पुत्री को आशीर्वाद दिए कि बच्चा तो होगा कुमारे में, लेकिन ऐसा तेजस्वी होगा जो तुम्हें कोई अवजस नहीं देगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि गौतम ऋषि से कैसे ये पूरा स्थान जुड़ा है, उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, गौतम ऋषि से इसलिए जुड़ा हुआ है कि उनका आश्रम यहाँ था। रामायण में जैसे दिए हैं कि आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम था, झोपड़ी था, लेकिन उस जगह खग मृग जीव जंतु तह नाही, जहाँ कोई जीव नहीं है, सिर्फ वही एक शिला है। तो वही जब श्रापित हो गया तो गौतम ऋषि यह जगह छोड़ करके अपना आश्रम बनाया, यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम है। वो जगह का नाम क्या है? गौतम कुंड ही नाम है। और वहीं जब गौतम ऋषि को गौ हत्या के दोष में साधु लोग किए थे समाज से बाहर, तो यहीं जब पानी का अकाल पड़ा है, कहीं नहीं मिला है, तब सब आए हैं गौतम ऋषि के आश्रम पर। और नदी चल रही है जो गौतम ऋषि के ही प्रभाव से वो नदी निकली है, जो सभी संत महात्मा वहाँ जल पिए हैं और उनका आश्रम फिर मुक्त कर दिए श्राप से, ये गौ हत्या से, कहे कि नहीं आपको गौ हत्या है नहीं। राजा छत्र सिंह थे जो अहिल्या के लिए मंदिर बना। और देखते हैं, अहिल्या है और ये गौतम ऋषि हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का तिथि निर्धारित किए तो अहिल्या इनको स्वप्न में कहती है कि हे राजन, हम जन जन्मांतर से पत्थर में थे, इसलिए अब हमें पत्थर में मत डालो। तो राजा प्रश्न किए, माँ बनाया मैं तुम्हारे लिए, फिर मैं इसका क्या करूँगा? तो अहिल्या कहती है कि नहीं, उसमें उनको रखो जो हमको उद्धार किए हैं। तब ये चारों भाई माँ जानकी और हनुमान की प्रतिमा यहाँ स्थापना हुई।
ऐसा मंदिर जहाँ पे गर्भगृह में केवल महिलाएं ही प्रवेश करती हैं और इनकी पुजारण भी महिलाएं। थोड़ा हैरत आपको इस बात की हो रही होगी, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो अहिल्या स्थान के नाम से जाना जाता है, वही अहिल्या स्थान जहाँ पे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या साप से मुक्त हुई थी। भगवान राम के चरण रज से स्पर्श पाने के बाद वो अभिशाप से मुक्त हुई। आज उस जगह को अहिल्या स्थान के नाम से जाना जाता, और उस जो मंदिर बना है उस मंदिर की मुख्य पुजारण भी महिलाएं हैं। अवंतिका मिश्रा जी अपने साथ हैं। माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की बेटी हैं, जो पंचकन्या के नाम से जानी जाती हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पांचों बहनों के नाम से जानी जाती है। इनको पंचकन्या के रूप में इनका पूजा होता है, और ये स्थान है जहाँ पे आज के दिनों में भी देखा जाता है और पहले से भी ऐसा ही होता आया है कि भगवान के दरबार में भक्त पहुँचते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पे माता का उद्धार करने के लिए इनके इष्ट प्रभु श्री राम यहाँ पे आए थे, और उसी स्थान पे माता का पिंडी रूप है, जो आप देख सकते हैं। ये माता अहिल्या हैं और पीछे गौतम ऋषि हैं। ये गर्भगृह में केवल महिलाओं के प्रवेश को लेकर के क्या मान्यता है, क्यों ऐसा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि सभी जानते हैं कि अहिल्या माता श्रापित थी शिला की, और उद्धार प्रभु श्री राम ने किया, और श्रापित जो थी सो इंद्र के कारण थी। इंद्र देवता हैं, देवताओं के राजा इंद्र, जो माता अहिल्या के साथ छल किए, जिसके कारण इनके पति गौतम ऋषि इनको श्राप दिए। पुरुष के कारण श्रापित हुई, पुरुष के द्वारा श्राप मिला, और जो भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम इनका उद्धार किए। लोग कहते हैं कि पैर लगाए उद्धार हो गया, गलत है। हमारे हिंदू धर्म में नारी को कभी पैर नहीं लगाया जाता है, नारी को सर्वोपरि पूजनीय बताया जाता है, लक्ष्मी का रूप बताया जाता है, तो पैर तो लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं विष्णु की पत्नी है और प्रभु श्री राम भी विष्णु के ही अवतार में है। तो प्रभु श्री राम का रामायण में आप लोग श्लोक देखे हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, आपके चरण रूपी कमलों का रज माता चाहती हैं, उसी से इनका उद्धार हो गया था। तो झिझकते हुए जब अपना चरण उठाए तो हवा के झोंके से उनके चरण का रज इनके ऊपर गिर गया, उसी से इनका मात्र उद्धार हो गया। तो इनको स्पर्श नहीं किए थे राम जी, तो पुरुष के कारण श्राप मिला, पुरुष के द्वारा श्राप मिला, और जिस पुरुष ने इनका उद्धार किया वो भी इनको स्पर्श नहीं किए। इसी कारण यहाँ पे सदियों से इनको पुरुष स्पर्श नहीं करते हैं, पूजा कर सकते हैं हमेशा से, सदियों से। आज हम हैं, हमसे पहले हमारी गुरु माता थी, उनसे पहले जो गुरु माता थी उनका भी समाधि स्थल है, उनसे पहले और पूर्वज रहे होंगे, जैसा कि हम लोग सुनते हैं। पुरुष इनका माँ और बहन के रूप में पूजा कर सकते हैं, दूर से फूल चढ़ा सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रथम पूजा जो इनका पिंडी है उसको निपना होता है, सिंदूर लगाना हुआ, इनका श्रृंगार हुआ, वस्त्र बदलना हुआ, सप्ताह में 3 दिन इनका सिंदूर बदलता है, जो माथे का सिंदूर है ये 3 दिन बदला जाता है, जो विशेष दिन है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, तो वो सब काम जो है सो महिला ही कर सकती है। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अहिल्या उद्धार स्थल से रामायण सर्किट के रूप में आज एक नया स्थान आईनेक्स्ट की टीम ने खोज निकाला, और आप कह सकते हैं कि रामायण सर्किट को इसके बिना पूरा नहीं माना जा सकता। खास तौर से राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद अहिल्या स्थान आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है।